हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधे टेक वर्ल्ड। दिस इज राखी सिन्हा हियर। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ एडवांस शॉर्टकट कीज। इससे पहले भी मैंने दो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ए से जेड तक के शॉर्टकट कीज को बताया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शॉर्टकट कीज। फर्स्ट है कंट्रोल प्लस, ये ग्रेटर देन का साइन, इक्वल टू फॉन्ट साइन इंक्रीज। मींस कि जब भी अगर हम ये इस लाइन को, इससे हम क्या करेंगे, कोई भी अगर फॉन्ट होगा आपका, कोई टेस्ट होगा, तो आप इसको शॉर्टकट की के थ्रू इसको उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले आपको उसको इसको सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ये बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए ये बटन प्रेस करना है, ठीक है, तो ये इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये बटन जैसे जैसे हमने प्रेस किया ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, आप देख रहे हैं ब्रैकेट, इक्वल टू फॉन्ट साइज डिक्रीज। तो ये फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, अब डिक्रीज हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर कंट्रोल के साथ इस बटन को प्रेस करना है। ये देखिए डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, डबल अंडरलाइन। मींस कि अगर कोई वर्ड के नीचे या टेस्ट के नीचे हमें डबल अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगर सिंगल अंडरलाइन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस यू, लेकिन डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। सेलेक्ट करना है पहले टेस्ट को, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, देखिए डबल अंडरलाइन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एंड, मींस कि अगर हम किसी भी फाइल पे काम कर रहे हैं तो उसके फाइल के एंड में जाने के लिए शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल प्लस एंड। तो जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो ये देखिए हम फाइल के एंड पे चले गए हैं, अब चले गए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम, ये बताया मैंने अभी आपको, कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो हम फाइल के स्टार्टिंग में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और ये प्लस का साइन सुपर स्क्रिप्ट। जब किसी वर्ड के ऊपर पावर लगता है तो उसे हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल पर मैं आपको करके बताती हूँ, है ए और उसका पावर आपको टू देना है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, टू को सेलेक्ट करना है, टू को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और ये प्लस, ये देखिए ए का पावर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एफ फाइव इक्वल टू गो टू, मीन्स कि आप अगर किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट फाइल पे जाना, जैसे अभी मैं करंट फाइल पे टू पे काम कर रही हूँ, मुझे जाना पेज नंबर फोर पे, तो उसके लिए कमांड है एफ फाइव, हम एफ फाइव करेंगे, ये आपसे पूछेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था शॉर्टकट किस में, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको किस फाइल पे जाना है। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि उसे फोर पेज नंबर पे जाना है, पेज नंबर पे जाना है, फाइल पे नहीं, पेज नंबर पे जाना है, तो हम यहाँ पे पेज नंबर पे चले गए और गो टू किया तो हम पेज नंबर फोर पे चले गए, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है एफ ट्वेल्व सेव एज, जब हम आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं तो उसे हमें सेव करना होता है, और सेव एज से क्या होता है कि आप उसी फाइल को दूसरे लोकेशन पे या दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। सेव एज का ऑप्शन आ गया है। अब ये पूछ रहा है कि आपको किस लोकेशन पे चाहिए, मान लीजिए मुझे डी ड्राइव पे चाहिए, सी ड्राइव पे, या डेस्कटॉप पे चाहिए, और इस फाइल का आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी नाम लिखा हुआ है उसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, और इस नाम से आप दूसरे लोकेशन पे दूसरे नाम से इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की है F12। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, फॉन्ट का साइज इंक्रीज होगा। जैसे अभी मैंने इसे पहले भी एक शॉर्टकट की बताया था आपको इंक्रीज करने के लिए, और इससे भी हम शॉर्टकट की को फॉन्ट के साइज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल शिफ्ट और ये देखिए ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, तो इससे आपका फॉन्ट का साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट लेस देन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो भी आपका आप जब फाइल में कुछ टाइप करते तो स्पेलिंग चेक करता है और ग्रामर भी चेक करता है, तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारा F7। ये देखिए F7 का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और वो स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करता है सारे टेक्स्ट में। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस F4, आप अभी किसी भी प्रोग्राम पे काम करें या एप्लीकेशन पे काम करें तो उसके लिए शॉर्टकट की है, आप फाइल को डायरेक्ट क्लोज मत कीजिए, उसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F4। जैसे अभी मैं करके दिखाती हूँ, ऑल्ट प्लस F4 करेंगे तो ये फाइल पूछ रहा है आपसे कि क्या उस फाइल को सेव करना, अगर सेव करना तो यस और नहीं तो फिर नो करके आप निकल जाइए, तो फाइल आपका क्लोज हो जाएगा। ये देखिए फाइल क्लोज हो गया, फिर से हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस S, इससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे डॉक्यूमेंट आपका दो भागों में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लाइन से आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट आपके दो भागों में डिवाइड हो चुका है। इसे हम कंट्रोल जेड करके वापस कर देते हैं। ये देखिए दो भाग में डिवाइड हो गया आपका डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस T, शिफ्ट प्लस T करेंगे तो हम जहां भी हमारा कर्सर रहेगा तो वहां पर आपको टाइम शो करेगा। जैसे यहाँ पे भी मेरा कर्सर है और जैसे ही हम ऑल्ट शिफ्ट और T करेंगे तो वो टाइम शो करेगा। ये देखिए टाइम शो कर रहा है अभी आपके सामने वहां पर, है ना। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D इंसर्ट करेंट डेट, तो जहां पे भी हमारा कर्सर है वहां पर अगर हम ये शॉर्टकट की डालते हैं तो वहां पे अभी करंट डेट शो करता है। ऑल्ट शिफ्ट एंड D, ये देखिए से आज का डेट आपको शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस एरो की, टेस्ट को कोई भी टेस्ट को अगर हमें सेलेक्ट करना रहता है, जैसे मान लीजिए कि टेस्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट टेस्ट करना रहता है तो हम एरो की से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा क्रशर यहाँ पर स्टार्ट है, क्रशर आपको दिख रहा है अभी, तो शिफ्ट प्लस एरो की अगर राइट एरो में आप देखते हैं चार एरो रहता है, एक है अप डाउन डाउन लेफ्ट एंड राइट, तो जब हम राइट करेंगे तो राइट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर हम लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट वाला, लेकिन आपको शिफ्ट का बटन प्रेस किया रहना है। ये देखिए लेफ्ट प्रेस हो रहा है, ठीक है, ये राइट राइट सेलेक्ट हो रहा है, अप करेंगे तो ये अप सेलेक्ट हो रहा है, डाउन करेंगे तो डाउन सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट प्लस होम, जो कि इसका मीन्स है कि जो भी लाइन पे हम काम कर रहे हैं तो वो उस लाइन को वो पूरा सिलेक्ट कर लेगा एंड टू स्टार्ट। देखिए ये करके दिखा रहे हैं अभी आपको शिफ्ट प्लस होम, ये देखिए ये हमारा पूरा जो लाइन है वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन आपका कर्सर लास्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस एंड, तो ये इसका ऑपोजिट है, अगर हमारे कर्सर जो है अगर स्टार्टिंग में है और हमें एंड तक उस लाइन को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस एंड, ये देखिए हमारा पूरा जो लाइन है वो सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विंडोज कीज प्लस M, मीन्स कि आप जो भी विंडोज में काम करें उसको मिनिमाइज करने के लिए, देखिए अभी जैसे आप यहां से भी मिनिमाइज कर सकते हैं पर शॉर्टकट की है हमारा विंडो प्लस M, ये देखिए मिनिमाइज हो गया, अब इसे हम इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस टैब टू स्विच बिटवीन वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम, मीन्स कि अगर आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं, तीन चार सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और आपका तीन चार डॉक्यूमेंट भी ओपन रहता है तो उस समय आप ऑल्ट प्लस टैब से दूसरे प्रोग्राम पे जा सकते हैं। जैसे अभी इस प्रोग्राम पे जाएंगे ये टैब पे, और जिस टैब पे आपको ऑल्ट का बटन प्रेस किए रहना है और टैब से आप आगे बढ़ते जाइए और जिसपे आपको काम करना है उस पर जाके इसके छोड़ देना, ये देखिए ठीक है ये छोड़ दिया। नेक्स्ट है डबल क्लिक, तो सेलेक्ट होगा एक ही वर्ड का, एक ही वर्ड आपका सेलेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे अगर जो भी वर्ड को सिलेक्ट करना उसके आगे आप क्रशर रखिए और उसे डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया आपका एक वर्ड। नेक्स्ट है ट्रिपल क्लिक, इसका मीन्स है कि आप किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकती है, मीन्स कि अगर आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रखूंगी और कोई प्रोग्राम है हमारा तो यहाँ पे रखूंगी तो ये पूरा ट्रिपल क्लिक 1 2 3, ये देखिए पूरा हमारा लाइन है, मीन्स कि प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं वो आपके तक पहुंचती रहे, और कोई अगर आपके क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय।